जाएगा, डोंट इंटरप्ट इन बिटवीन, आप कंटिन्यू रखना। So good morning students, the day before yesterday we have discussed about the animals living in polar region. Unme se humne ek animal ke bare mein, unki adaptations ke bare mein discuss kiya tha, and that animal was polar bear. Now second kind of animal that usually lives in polar region is penguins. As you can see a picture, there are a large number of penguins are there. तो पेंगुइन्स में अगर आप ध्यान से देखो, इनकी अडेप्टेशंस के बारे में पढ़ेंगे हम, तो पेंगुइन्स सबसे पहले आप इनके कलर को ऑब्जर्व करो, तो द कलर इज वाइट। तो वाइट कलर, जैसे पोलर बियर का कैमोफ्लेज एक मैंने टर्म बताई थी कि अपने अपने सराउंडिंग के साथ ही मर्ज हो जाने की स्टेट को क्या बोला जाता है, कैमोफ्लेज। तो ऐसी स्टेज मीन्स अपने सराउंडिंग के साथ, बिकॉज पेंगुइन लिव्स इन पोलर रीजन एंड पोलर रीजन पे जनरली देर इज स्नो, तो स्नो इज ऑल्सो व्हाइट इन कलर, तो वो उसकी अपनी नेचर के साथ ब्लेंड कर जाएंगे, तो वो अपने प्रीडेटर एंड प्रे दोनों को ये कलर हेल्प करेगा, प्रीडेटर से बच पाएंगे और प्रे को इजिली हंट कर पाएंगे। सो नंबर वन इज वाइट कलर, सेकेंड नंबर इज थिक स्किन एंड अ लेयर ऑफ फैट। लाइक पोलर बियर, दे ऑल्सो हैव अ थिक लेयर ऑफ फर एंड ऑल्सो layer of fat is also present in inside their body. तो वो क्या करेगी, वो उनकी बॉडी को वार्म्थ प्रोवाइड करेगी, बिकॉज टू लिव इन सच सिवियर कंडीशन वन हैज टू बी वेरी वार्म फ्रॉम इन साइड। तो इसलिए क्या, थिक स्किन एंड लेयर ऑफ फैट उनकी क्या करेगी, और फर की लेयर भी है तो उनको वार्म्थ, उनको हीट प्रोवाइड करेगी उनकी बॉडी को। थर्ड इज, एज यू कैन सी द पिक्चर, नंबर ऑफ पेंगुइन्स बहुत सारे बहुत पास पास खड़े। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप दो पर्सन एक रूम में हो और विंटर का सीजन है, और अगर आप 50 पर्सन एक रूम में हो और विंटर्स का ही सीजन है, तो किस किस रूम में आपको ज्यादा वार्म्थ फील होगी? ऑब्वियसली जहां पे 50 पीपल है वहां पे आपको ज्यादा वार्म्थ फील होगी। सिमिलरली जो पेंगुइन्स होते हैं, दे हडल टूगेदर, HUDDLE, they huddle together, it is a special term used for this kind of penguins. So that is ki wo bahut paas mein khade hote hain, so that unki unme warmth aa sake, kyunki bahut saare bahut ek kam space mein zyada agar persons ho ya zyada penguins ho to unko zyada warmth feel hogi, so they huddle together. Next is they have webbed feet, unke jo feet hote hain unki shape webbed hoti hai, jo wo हेल्प करता है उनको स्विम करने में। लास्ट वन इज, दे हैव स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी। स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी, इफ यू ऑब्जर्व अ पेंगुइन, सपोज हम ये इस पेंगुइन को ऑब्जर्व करें, तो इसकी जो हेड है वो आगे से इट इज नैरो एंड जो बॉडी है इट इज ब्रॉड एज कंपेयर टू द हेड। तो ऐसी शेप को, लाइक एरोप्लेन की शेप, ठीक है, ऐसी शेप को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप। और स्ट्रीमलाइन शेप इनकी होती है, और दैट हेल्प्स देम टू बी अ गुड स्विमर, स्विमिंग करने में इनको बहुत हेल्प करती है ये शेप। तो दीज वर सम अडेप्टेशंस बाय पेंगुइन्स। आई एम गोइंग टू समराइज दैट, सबसे पहले वाइट कलर दैट हेल्प्स इन कैमोफ्लेज, सेकेंड इज थिक स्किन एंड लेयर ऑफ फैट दैट हेल्प्स देम टू कीप देम देयर बॉडी वार्म, उसके बाद हडल टूगेदर ऑल्सो टू कीप देम सेम वार्म, नेक्स्ट इज वेब्ड फीट फॉर स्विमिंग एंड स्ट्रीमलाइन शेप ऑल्सो हेल्प इन स्विमिंग। So these are the five adaptations
that that of penguins. Next we have, okay, so ऐसे जो cold places पे रहने वाले animals वहां के surrounding के according they are adapted. But there are some animals or there are some birds other than geese. For example, there are oxen, foxes, seals, whales. ये भी सारी polar animals ही माने जाते हैं. There are whales and some birds also. जो ये वाली whales, foxes, reindeers, oxen होते हैं, इनकी बॉडी पे तो थिक स्किन और फर होती है, तो वो इन adaptations को ले लेते हैं, मतलब इन द सेंस कि वो उस cold region में सर्वाइव कर सकते हैं. And seals and जो whales, जो under water, जो aquatic life है, वो भी survive कर जाएगी because of the temperature difference below the sea level. तो sea level पे वो survive फिर भी कर सकते हैं. But what about birds? जो birds होते हैं, वो कुछ type of birds तो survive कर जाएंगे, but कुछ type होती हैं, वो ऐसे cold places पे in winter season वहाँ पे survive नहीं कर सकते. So वो एक place से दूसरे place पे travel करते हैं to keep themselves warm. So in the sense, वो एक place से दूसरी place पे migrate करते हैं. Migrate means एक place से दूसरी place पे shift होना for some benefits. और वो क्या benefit है? Because winter season में अब उनको इतना appropriate amount of food obtain नहीं होगा, उनकी body भी warmth इतना नहीं feel करेगी, तो वो अपने फायदे के लिए एक place से दूसरे place पे जब वो migrate करते हैं, and this process is known as migration, and that type of birds are known as migratory birds. Migratory birds. Suppose so this is a photograph of a Siberian crane. Siberian crane is also a migratory bird. ये generally Siberia में रहता है, but Siberia is very cold place to live in. तो वहाँ पे जब winter season है, वहाँ पे जब बहुत ठंड होती है, तो ये migrate होता है in Bharatpur, Rajasthan, and Sultanpur in Haryana. Okay, and some wetlands of northeast and some other parts of India. ये जो Siberian crane है, ये अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया और मेनली भरतपुर एंड सुल्तानपुर, ये वहां साइबेरिया से इंडिया में ये माइग्रेट होता है. एंड आपको पता है कि इंडिया एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन है, इट इज नॉट पोलर रीजन, तो वहां से ये यहाँ पे ट्रांसफर होता है. सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स यू कैन ऐड. सो दीज आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स. ओके, इफ यू हैव next we'll talk about the tropical rainforest. जैसे polar regions थे, वैसे ही एक next part है, next जो region होता है हमारे पास earth पे, that is tropical rainforest. इसकी जो main properties होती हैं इन forest की, that is hot and humid. जो ये ऐसे kind of regions होते हैं, they are hot because their location is around equator. आपको पता है कि equator है earth का और poles होते हैं, तो poles and equator, poles के जो पास regions होंगे that are known as polar regions, और equator के पास जो भी countries lie करती हैं they are under tropical region. So generally central African countries, southeast Asian countries, central American countries, ये सारी की सारी जो countries हैं वो normally fall करती हैं under these regions. और टेम्परेचर यहाँ पे जो कोल्डेस्ट मंथ में भी जो टेम्परेचर है जनरली 15 डिग्री सेल्सियस के नीचे नहीं जाता, और समर्स में 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर ये टेम्परेचर राइज करेगा. मतलब बहुत हॉट रीजन इसको माना जाता है. और यहाँ पे ह्यूमिड, बिकॉज इट इज हॉट एंड ऑल्सो ह्यूमिड, यहाँ पे रेनफॉल भी बहुत अच्छी अमाउंट में होती है, और बिकॉज ऑफ दैट कंटिन्यूअस वार्मथ एंड रेनफॉल यहाँ पे बहुत सारे काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते हैं. लाइक पोलर रीजन में इतनी हमें टाइप्स नहीं मिलती थी वेजिटेशन की, प्लांट्स की, एनिमल्स की. ऑन द कंट्रेरी ट्रॉपिकल रीजन में हमें बहुत सारी वैरायटी मिलती है इंसेक्ट्स की, प्लांट्स की, एनिमल्स की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की. तो ये बहुत मतलब इन द सेंस कि ये ऐसी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं या
ह्यूमिडिटी है वो बहुत सारे लार्ज नंबर एंड लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स की सर्वाइवल को हेल्प करती है और सपोर्ट करती है. सो जो मेजर टाइप होते हैं एनिमल्स की यहाँ पे जो रहते हैं ऐसे रीजन्स में, देर आर मंकीज, एप्स, गोरिलास, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, लिजर्ड, स्नेक, बर्ड्स. तो अगर इनका नंबर बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया जो ऐसी कंडीशंस होती हैं वो हेल्प करती हैं एनिमल्स के सर्वाइवल में, तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एनिमल्स यहाँ पे सर्वाइव करते हैं ऐसे रीजन्स में. अगर बहुत ज़्यादा नंबर होगा तो उनकी तो उनको फूड की रिक्वायरमेंट के हर एक एनिमल के लिए कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा होगा. ऑब्वियसली अगर एक पोस्ट को लेने के लिए अगर 5 persons हैं और उसी पोस्ट को लेने के लिए अगर 20 persons हैं तो कॉम्पिटिशन ऑब्वियसली 20% वाले एरिया में ज़्यादा होगा. सिमिलरली यहाँ पे भी अगर नंबर ऑफ एनिमल ज़्यादा है तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा है सर्वाइव करने के लिए, अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए अमंग एनिमल्स. जो हम तो इसलिए जो ज़्यादातर जो एनिमल्स होती हैं इस रीजन के वो जनरली दे लिव ऑन ट्रीज. तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपकी बुक में है नंबर वन. दिस इज रेड आइड फ्रॉग. ये भी एक काइंड ऑफ एनिमल है जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहता है. सो इसकी आप आईज देख सकते हो, रेड आइड फ्रॉग नाम से क्लियर हो रहा है. सो इसकी मेन जो प्रॉपर्टी है स्टिकी पैड्स ऑन फीट. जो इनके फीट होते हैं इनमें स्टिकी पैड्स मतलब बहुत स्टिक इजीली हो जाते हैं विद सम वॉल और विद लीव्स और ट्रीज. तो ये हेल्प करता है उनको ट्रीज को क्लाइम करने में. आई विल शो यू डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स. उनकी एक एक दो दो प्रॉपर्टी है दैट यू हैव टू रिमेंबर. जो रेड आइड फ्रॉग होते हैं, एक तो इनकी आईज की वजह से इनका नाम है रेड आइड फ्रॉग, और इनकी जो प्रॉपर्टी है स्टिकी पैड्स ऑन फीट. इनके फीट बहुत ज़्यादा स्टिकी होते हैं, दैट हेल्प्स देम टू क्लाइम द ट्रीज. नेक्स्ट जो एनिमल के बारे में डिस्कस किया गया है, दीज आर मंकीज. ये तो आपने जनरली देखे भी होंगे मंकीज. तो मंकीज की जो लॉन्ग टेल होती है वो हेल्प करती है उनको ब्रांचेस को ग्रैब करने में और एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे जाने पे. और इनकी जो हैंड एंड फीट होते हैं उनकी स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती हैं ताकि वो इजीली ट्रीज को क्लाइम कर सकें. तो मंकीज के बारे में लॉन्ग टेल्स और स्पेशल स्ट्रक्चर्स ऑफ हैंड एंड फीट जो उनको हेल्प करती है ट्रीज को और ब्रांचेस को क्लाइम करने में उनको हेल्प करती है. नेक्स्ट टाइप ऑफ एनिमल, नेक्स्ट टाइप एनिमल नहीं है, नेक्स्ट टाइप इज बर्ड. मैम हाँ जी मैम पेज नंबर क्या? पेज नंबर 75. Now, this is a bird and its name is Toucan. Okay? TOUCAN बर्ड है. ये भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन में रहता है. इट्स नेम इज टुकन. इसकी आप देख सकते हो लॉन्ग एंड लार्ज बीक. ओके, ये इसके जो ऐसे ब्रांचेस जो इसका जो नॉर्मली फूड है वो ऐसी ब्रांचेस पे होगा जो बहुत वीक है और जो इसके वेट को उठा नहीं सकती. तो इसकी लॉन्ग एंड जो वाइड बीक है वो हेल्प करती है ताकि टू सपोर्ट इट्स मतलब इन द सेंस कि वो दूर तक अपने फूड को ऑब्टेन कर सकता है ऐसी ब्रांचेस से जो उनके वेट को सपोर्ट नहीं कर सकती. तो इनकी जो लॉन्ग बीक है वो इनको फूड ऑब्टेन करने में हेल्प करती है फ्रॉम द बीक एंड डिस्टेंट ब्रांचेस. सो अगर हम जनरल बात करें सो दिस इज ये अब एग्जांपल है हमारे पास बियर्ड एप की, जिसको हम लाइन टेल मकैक भी बोलते हैं. आपकी बुक में है MACAQUE लाइन टेल मकैक एंड इसका सेकेंड नेम है बियर्ड एप. इसकी जो स्पेशल काइंड प्रॉपर्टीज हैं दैट इज सिल्वर वाइट मेन. मेन मीन्स दैट बियर्ड. आप देख सकते हो इसके हेड से शुरू होके चीक्स पे जाके चिन पे खत्म हो रही है. तो ये सारे का सारा इसका जो फेस है इट इज कवर्ड विद दिस सिल्वर वाइट मेन. They generally eat seeds,
leaves, stems, buds and flowers. और अपना ये major part जो life का है, they spent on trees. So this is example. These are some examples of the tropical rainforest animals. उसके बाद अगर हम generally अगर हम define करें जो tropical rainforest animals होते हैं, they have sensitive hearing, they have sharp eyesight. And they also have the property of camouflage. उनके colors भी green color या ऐसे colors होंगे जो easily blend हो जाएंगे with the environment they are living in. उसके बाद the main part that is जो main आपने animal उसकी adaptations पढ़नी है that is elephant. Okay, elephant तो आपने generally यहाँ पे भी देखा होगा. तो elephants की हम general properties पढ़ेंगे और adaptations जो animals adapt करते हैं. Number one is ट्रंक. सबसे पहले आप इसकी ट्रंक को ऑब्जर्व करो. अब जो ट्रंक है उसकी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, ओके, एंड आल्सो हेल्प्स इन पिकिंग अप फूड. जो इनकी ट्रंक होती है वो हेल्प, एक तो इनकी स्ट्रॉन्ग सेंस है स्मेल करने की और दूसरा ये फूड पिकअप करने में उनको हेल्प करती है. नेक्स्ट इज टस्क, जिसको आप मॉडिफाइड टीथ बोल देते हो. ठीक है, दीज आर जो व्हाइट कलर के आपको टीथ दिख रहे हैं इनको टस्क बोला जाता है. और इनकी हेल्प क्या होती है, टू टियर द बार्क ऑफ ट्रीज एंड दे लव टू ईट द बार्क ऑफ ट्रीज. जो एलिफेंट्स होते हैं तो उनकी जो है जो टियर करने में बार्क को वो हेल्प करती हैं टस्क. नेक्स्ट इज इफ यू कैन सी लार्ज ईयर्स, आपने देखा भी होगा जो एलिफेंट्स के ईयर होते हैं दैट आर वेरी वाइड एंड लार्ज इन शेप. सो बहुत सेंसिटिव होते हैं और इवन सॉफ्ट वॉइसेस होती हैं, बहुत सॉफ्ट वॉइसेस भी वो हेयर कर सकते हैं, वो सुन सकते हैं. और ऑल्सो इनके ईयर्स का एक और हेल्प होती है टू फैन देमसेल्व्स. जब भी उनको बहुत हॉट या गर्मी लगे तो आपने देखा भी होगा शायद कि वो अपने ईयर्स को हिलाते हैं, दे फैन देमसेल्व्स, अपने आप को हवा करने के लिए उनके ईयर्स को टू कीप देमसेल्व कूल. तो वो अपने ईयर्स को फैनिंग के लिए भी यूज करते हैं और दूसरा सेंसिटिव हेयरिंग. सो आई एम गोइंग टू सम अप दीज अडेप्टेशंस बाय एलिफेंट. नंबर वन इज ट्रंक. ट्रंक हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. सेकेंड फंक्शन ऑफ ट्रंक इज टू हेल्प इन पिकिंग अप फूड. नेक्स्ट इज टस्क दैट आर ऑल्सो नोन एज मॉडिफाइड टीथ. टस्क हेल्प्स एलिफेंट टू टियर द बार्क ऑफ ट्रीज. थर्ड इज लार्ज ईयर्स. लार्ज ईयर्स के अब दो फंक्शन है, एक तो सेंसिटिव हेयरिंग, बहुत सॉफ्ट एंड स्मॉल वॉइसेस दे कैन हेयर, साउंड्स वो सुन सकते हैं. नेक्स्ट इज टू फैन देमसेल्व्स, फैनिंग के लिए भी वो हेल्प करते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर क्लाइमेट वेदर एंड अडेप्टेशंस. मैम